हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ विद पुनीता। कैसे हैं आप, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का जो मेरा ये ब्लॉग है, मैं इसमें आप सभी के साथ अरवी के पत्ते के पकौड़े और बैगन और आलू की कलौजी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। पकौड़े को कुरकुरा करने के लिए मैंने आधा घंटा पहले चावल को भिगा लिया था, और ये सूखे हुए आम की कली है, इसे भी मैंने भिगो लिया था, इसे भी आधा घंटा पहले ही मैंने भिगोया था। एक चम्मच, और ये एक चम्मच ही जीरा है, और मैं इन सभी का पेस्ट बना लूँगी। फ्रेंड्स, किचन में कुछ लाइट का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो किचन में बनाती हूँ तो ये ज़्यादा काला काला दिखता है। बाकी जगह पे तो सही वीडियो बनता है, पर किचन में ही कुछ ज़्यादा कालापन आ जाता है। प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा आप लोग। और मैं पकौड़ों की मसाले की तैयारी कर रही हूँ। जितना भी मैंने आपको मसाले दिखाए थे, उन सभी को मैं एक साथ में ही पीस लूँगी, और जो आम की कली भी दिखाई थी वो भी मैं एक साथ ही पीस लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, और अब मैं चावल जो भिगोए थे उनका भी पेस्ट तैयार कर लूँगी। चावल का आटा नहीं था, इसलिए मैंने चावल को भिगो कर ही पीस लिया, क्योंकि फ्रेंड्स ये किसी भी पकौड़े में अगर आप चावल का आटा या इस तरह से पेस्ट बना के अगर आप डालते हैं तो पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत कुरकुरे बनते हैं। वैसे तो बहुत लोग सूजी ऐड करते हैं, पर मैं चावल का आटा रहता है तो उसे ऐड कर देती हूँ, वरना इसी तरीके से पेस्ट तैयार करके उसे मैं ऐड कर लेती हूँ। मसालों को पीसने के बाद मैंने सब्जी को कट कर लिया, और आज मैं बैंगन और आलू की कलौजी बनाऊंगी। बैंगन को बीच से कट करने के बाद मैं उसके अंदर चीरे लगा रही थी कि मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से भिन जाए उसमें, और चीरे लगाते वक्त मैं ये भी देख रही थी कि कहीं इनमें कीड़े तो नहीं हैं, क्योंकि इस सीज़न में बैंगन में कीड़े अक्सर मिल जाते हैं, तो मैं वो भी चेक कर ले रही थी। अब आलू को भी बड़े बड़े साइज़ में कट कर लेती हूँ, क्योंकि कलौजी में बड़े बड़े आलू ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सब्जियों को कट करने के बाद मैंने उन्हें वाश करके रख दिया, और अब मैं अरवी के पत्ते के पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जो मसाले तैयार किए थे और जो मैंने चावल का पेस्ट तैयार किया था, उन्हें मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी, और इसमें बेसन भी मैं डालूँगी, चने का बेसन, क्योंकि चने के बेसन से पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। फ्रेंड्स, मैं जितने पत्ते होते हैं अरवी के, उसी हिसाब से मैं मसालों को तैयार करती हूँ। और अब मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है, और ये हल्दी डाल रही हूँ एक चम्मच के लगभग, और अब मैं इन सभी को एक साथ मिक्स करूँगी। और मिक्स करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं बेसन में गुठलियाँ तो नहीं पड़ गई हैं, और इसे मिक्स करके स्मूथ बैटर तैयार कर लूँगी। मैं गाढ़ा बैटर ही तैयार करूँगी, क्योंकि इसमें गाढ़ा बैटर ही लगता है, पतला नहीं लगता है। और मैंने इनमें अलग से पानी भी नहीं ऐड किया था, मैं जो मसाले बनाई थी उसमें जितना पानी था उसी से इस पेस्ट को तैयार कर लिया है। और मैंने सूप के ऊपर अरवी का एक पत्ता लिया, और उसके ऊपर मैं इस पेस्ट को अच्छी तरीके से फैला दूँगी। मैं मोटा ही फैलाऊँगी, बहुत पतला नहीं फैलाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से, और पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता रखूँगी, उसके ऊपर भी मैं इस पेस्ट को इसी तरीके से लगाऊँगी। ऐसे करके हमें जितना मोटा चाहिए, ये जितने थिकनेस इसकी चाहिए उतने पत्ते मैं लगा दूँगी इसके ऊपर। ये बड़े बड़े पत्ते थे तो मैंने इसमें 5 से 6 पत्ते लगाए, और ये देखिए इतना मोटा रोल बना था। सॉरी फ्रेंड्स, मैं रोल जिसमें मैंने रोल किया था वो क्लिप डिलीट हो गई, इसलिए मैं इसमें उसे ऐड नहीं कर पाई हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊँगी तो इसकी रोलिंग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इस तरीके से कट कर लिया है, और अब मैं इन्हें सेलो फ्राई करूँगी। मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इन्हें सेलो फ्राई करूँगी। हस्बैंड ले आए थे, और फ्रेश पत्ते का ही पकौड़ा अच्छा लगता है। अगर मैं इन्हें रख देती 1-2 दिन के लिए तो ये सूख जाते और अच्छे पकौड़े नहीं बनते।
फ्रेंड्स, जब तेल गरम हो गया है तो मैंने इन पकौड़ों को जो कट किया था उन्हें बेसन में लपेट के मैंने डाल दिया है, और मैं इन्हें लो फ्लेम पे पकाती हूँ, क्योंकि अगर ये हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ये अच्छी तरीके से नहीं पकेंगे, और लो फ्लेम पे रखने से ये अंदर से काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची बन जाते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे आप सिर्फ दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई है तो अरवी के पत्ते के पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं दाल चावल के साथ भी। दूसरी कढ़ाई में मैं पचफूरन भून लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पचफूरन भून गई है और ये गोल्डन कलर का हो गया है, यही इसका पहचान है कि ये भून गया है। और अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कम तेल में कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हुआ है पकौड़ा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे कि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे सभी वीडियो को फुल वॉच किया करिए। प्लीज़ फ्रेंड, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि मैं आप सभी के लिए और अच्छे अच्छे नए वीडियो ला सकूँ। दूसरी कढ़ाई में मैंने तेल को गरम कर लिया है और जो मैंने आलू को कट किया था उसे अब मैं फ्राई कर रही हूँ। इसे भी मैं लो फ्लेम पे कर रही हूँ क्योंकि आलू बहुत बड़े बड़े साइज़ में मैंने कट किए हैं, और इसे अगर हाई में करूँगी तो आलू अंदर से नहीं पकेंगे। और जब आलू गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब मैं इसमें बैंगन को ऐड कर दूँगी, क्योंकि पहले मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ, फिर बैंगन डालती हूँ और फिर ढक कर इन्हें पकने के लिए छोड़ देती हूँ, जब तक बैंगन जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए और आलू भी अच्छी तरीके से गल ना जाए। और मैं इसे डीप फ्राई नहीं करती हूँ फ्रेंड, आलू को उन्हें मैं सैलो फ्राई करती हूँ। दाल मैंने बना ली थी और अब मैं चावल बना रही हूँ, क्योंकि लंच का टाइम भी हो गया है इसलिए मैंने अभी चावल भी चढ़ा दिया कि सब चीज़ एक साथ ही बन जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, कलौजी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, पूरी अच्छी तरीके से जो आलू हैं वो अच्छी तरीके से पक गए हैं और बैंगन भी आधे सॉफ्ट हो गए हैं, आधे बाकी हैं। और अब मैं इनके ऊपर से पचफूरन वाला मसाला जो है वो डाल दूंगी। मैंने बैंगन के अंदर स्टफिंग किया है और ये मैं ऊपर से डाल देती हूँ ताकि आलूओं में भी अच्छी तरीके से इनका टेस्ट आए। और जब लगभग 90% तक पक जाते हैं आलू तब मैं इसे डालती हूँ, क्योंकि मैं पचफूरन को पहले से भुनी रहती हूँ इसलिए मैं लास्ट में मसाले को ऐड करती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, कलौजी जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है और ये बहुत टेस्टी बनी थी। आज का जो लंच था वो बहुत ही टेस्टी था। बाहर मौसम बहुत ठंडा हो गया है और शायद पानी भी बरसने वाला है, बच्चे तो छत पर चले गए हैं और मुझे भी बुला रहे हैं कि मम्मी आप भी छत पर आइए। लंच जब बन जाएगा तब मैं भी छत पर जाऊँगी। अब मैं रोटी भी, मैंने साथ में ही रोटी भी बना ली थी। लंच तैयार करने के बाद मैं भी छत पर गई थी और आज बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी कि बिल्कुल किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और जब मैं छत पर गई तो मौसम बहुत ठंडा हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था, गर्मी से थोड़ी राहत मिली और लंच भी लगभग मेरा तैयार हो गया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, कलौजी भी मेरी तैयार हो गई, आलू भी अच्छी तरीके से अब पक गए थे। और लंच तैयार करने के बाद मैं भी छत पर गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीव लाइव विद पुनीता, कैसे हैं आप? और ये देखिए हम छत पे आ गए हैं, पीछे से कितनी तेज़ वहाँ देखिए पानी आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। ये हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और कितने तेज़ी से पानी आ रहा है पश्चिम से, बहुत गर्मी लग रही थी और कल हवा भी नहीं चल रहा था, कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी पर आज कुछ आराम है। ये देखिए हम सब लोग छत पे ही हैं, देखिए इधर से पानी आ रहा है और छवि रुपेश इंजॉय कर रहे हैं छत पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और जैसे हवा चली हम सब छत पे चले आए। और दोपहर के 12 बज रहे हैं फ्रेंड्स, ये सब बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं और रुपेश को बार बार प्यास लग रही है, गर्मी बादल चमका है इसलिए दोनों भाग गए हैं, बिजली कड़का है। ये देखिए फ्रेंड्स, आज का लंच है, ये रुपेश की थाली है, पहले रुपेश को लंच दे दिया फिर हम सभी ने किया। और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।